नमस्कार। YouTube चैनल स्वस्थ जीवन स्वस्थ विचार में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आज हम आपको एक नई योग मुद्रा के बारे में जानकारी देंगे और वो योग मुद्रा आपके बहुत काम आने वाली है। मित्रों, आज का जो टॉपिक है हमारा वो है सूर्य मुद्रा के बारे में। तो सबसे पहले बिना कोई देर किए आइए हम सीखते हैं सूर्य मुद्रा कैसे की जाती है। मित्रों, सूर्य मुद्रा करने का जो तरीका है वो कुछ इस प्रकार से है। मित्रों, ये मेरा लेफ्ट हैंड है और मैं इस हाथ में आपको सूर्य मुद्रा करके बता रहा हूं। हमारी जो छोटी अंगुली के पास वाली जो ये अंगुली होती है जिसको हम रिंग फिंगर कहते हैं, इस रिंग फिंगर के टॉप को अंगूठे के मूल में लगाना है, कुछ यहां पर इस तरह से अंगूठे के मूल में लगाना है और ऊपर से अंगूठे को इस तरह से दबा देना है और बाकी की जो तीन अंगुलियां रहती है वो एकदम आपको सीधी रखनी है। इस प्रकार से हम ये सूर्य मुद्रा कर सकते हैं और दोनों ही हाथों में करना है, बिल्कुल इस तरह से। जो रिंग फिंगर होती है ये जिस हाथ में जिस अंगुली में हम अंगूठी पहनते हैं उसके टॉप को अंगूठे के मूल में लगाना है और बाकी की जो तीन अंगुलियां है उनको सीधा रखना है। आप इस सूर्य मुद्रा का अभ्यास देख लें आप ध्यान से इस तरह से। ये जो रिंग फिंगर है छोटी अंगुली के ठीक पास वाली, इसको आपको अंगूठे के मूल में यहां लगाना है इस तरह से और ऊपर से अंगूठे से इस पर हल्का सा दबाव डालना है, बाकी की तीनों अंगुलियां सीधी रहेगी। ये तो हुई सूर्य मुद्रा को कैसे करते हैं ये हमने सीख लिया। अब हम देखते हैं कि सूर्य मुद्रा को करने से पहले क्या-क्या सावधानियां रखनी चाहिए और ये हमको क्या-क्या फायदा करेगी, क्या इसके हेल्थ बेनिफिट है। मित्रों, सूर्य मुद्रा करने से पहले हमको कुछ थोड़ा सा हमको एक गिलास पानी जरूर पी लेना चाहिए क्योंकि सूर्य मुद्रा शरीर में अग्नि तत्व को बढ़ाएगी। अग्नि तत्व बढ़ेगा इसलिए हमको इस मुद्रा के अभ्यास करने से पहले थोड़ा पानी जरूर पी लेना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि ये जितनी भी योग मुद्राएं मेरे अलग अलग वीडियोस योग मुद्राओं पर बने हुए हैं, आप उनको जरूर देखें, उनको जरूर पसंद करें और उनको अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव को भी जरूर शेयर करें। तो जितनी भी योग मुद्राएं हैं इस सूर्य मुद्रा को भी हमेशा खाने से पहले करना चाहिए, खाने के बाद योग मुद्राएं नहीं की जाती है, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। सूर्य मुद्रा के हेल्थ बेनिफिट कुछ ऐसे हैं मित्रों कि जब हमारे शरीर में ये सूर्य मुद्रा अग्नि तत्व को बढ़ाएगी तो आप समझ सकते हैं कि जब शरीर की अग्नि बढ़ेगी तो आपका जो हाजमा है जो पाचन शक्ति है वो बहुत इंप्रूव हो जाएगी, वो बहुत अच्छी हो जाएगी, पाचन शक्ति मजबूत बनेगी और उसके साथ साथ आपके शरीर की जो एक्सेस फैट है जो आपके शरीर में अतिरिक्त जो चर्बी जमी हुई है शरीर के कहीं पर भी पूरे शरीर में वो धीरे धीरे मेल्ट होना पिघलना शुरू हो जाएगी। और आप देखते हैं कि जैसे जैसे ये चर्बी कम होगी तो आपका वजन धीरे धीरे घटना शुरू होगा, आपका वजन कम होगा और फैट जो लीवर पर जमी हुई है, जो फैट लीवर पर जमी हुई है जिसको हम फैटी लीवर कहते हैं, उसमें भी ये जो सूर्य मुद्रा है वो आपको बहुत फायदा करेगी। जो चर्बी की गांठें होती है जिनको हम लाइपोमा की गांठें कहते हैं, वो गठान भी धीरे धीरे इस सूर्य मुद्रा के अभ्यास से वो धीरे धीरे जो कम होना शुरू होगी, घुलना शुरू होगी। तो इस तरह से ये सूर्य मुद्रा करने के कई सारे लाभ होते हैं। शरीर में अगर कहीं पर भी नस नाड़ियों में कोई अगर ब्लॉकेज आ रहे हैं तो इस सूर्य मुद्रा के अभ्यास करने से ये ब्लॉकेज भी धीरे धीरे खुल जाएंगे। मित्रों, आप जब सुबह अपनी रूटीन लाइफ में योग प्राणायाम ध्यान मेडिटेशन ये जो आप करते हैं इस दौरान आप दोनों हाथों में इस सूर्य मुद्रा का अभ्यास आपको जरूर करना चाहिए। और अगर आप ये सब नहीं भी करते हैं तब भी आप खाने से पहले आप इस सूर्य मुद्रा का अभ्यास कर सकते हैं। मित्रों, सूर्य मुद्रा करते समय कुछ कुछ इंपॉर्टेंट कुछ बातें हैं, कुछ सावधानियां हैं जिनको रखना बहुत जरूरी होता है। मित्रों, वो ये है कि जिन लोगों को पीलिया है जिसको हम जॉइंटिस कहते हैं, अगर पीलिया की शिकायत है तब आपको इस सूर्य मुद्रा का अभ्यास आपको नहीं करना चाहिए, इस बात का ध्यान रखना है। दूसरी सावधानी आपको ये रखनी है कि जिन लोगों को ओवर ब्लीडिंग हो रही है, जैसे कि मासिक धर्म पीरियड्स के दौरान हमारी माताओं बहनों को ओवर ब्लीडिंग हो रही है,
या फिर किसी भी वजह से ओवर ब्लीडिंग शरीर में हो रही है, पुरुषों को हो चाहे महिलाओं को हो, उस ओवर ब्लीडिंग के दौरान, उस ब्लीडिंग के समय में ये सूर्य मुद्रा का अभ्यास आपको नहीं करना चाहिए। शरीर में अगर किसी को बहुत ज़्यादा पसीना आता हो, शरीर में बहुत ज़्यादा गर्मी हो, तो उस समय भी ये सूर्य मुद्रा जो है आपको नहीं करनी, क्योंकि पहले से ही शरीर में गर्मी ज़्यादा है और पसीना बहुत ज़्यादा आ रहा है, तो अग्नि तत्व पहले से ही शरीर में बढ़ा हुआ है। उसके बाद अगर आप सूर्य मुद्रा लगाएंगे तो आपको और ज़्यादा तकलीफ होगी, ज़्यादा पसीना आएगा, ज़्यादा गर्मी लगेगी। तो ये सावधानी आपको हमेशा ध्यान में रखनी है। अगर आपको घबराहट हो रही है, एंजाइटी हो रही है, किसी बात को लेकर भयभीत या घबराहट हो रही है शरीर में, तब भी आप जो है इस सूर्य मुद्रा का अभ्यास आपको नहीं करना चाहिए, इस बात का ध्यान रखना। तो मित्रों, ये थे सूर्य मुद्रा को करने का तरीका, उसकी उसको क्या कैसे उसके हेल्थ बेनिफिट मिलते हैं, उसके क्या क्या करने से पहले हमको सावधानी रखनी चाहिए, पूरा डिटेल में मैंने आपको बताया। मित्रों, वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें। चैनल पर पहली बार आए, पहली बार मेरे चैनल से जुड़े हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करना 100% पूरी तरह से फ्री होता है, तो सब्सक्राइब जरूर करें ऐसे, और बेल आइकन के बटन को जरूर प्रेस करें मित्रों, क्योंकि मेरे इसी तरह का कंटेंट, अच्छे सही और सटीक जानकारी वाले वीडियो का नोटिफिकेशन, उसकी सूचनाएं आपको मिलती रहेगी। मित्रों, आज के लिए इतना ही, बहुत जल्दी मैं आपके लिए एक और नया वीडियो लेकर के आऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।